हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो मेरे इंडियन आर्मी के नौजवानों? तो आज आपकी वो बड़ी खुशखबरी आ गई जिसका आप सबको इंतजार था। मैंने ये वीडियो डाला था ना कि जिस दिन आपकी अजमेर सेना भर्ती आई थी, उस दिन आपका जितना प्यार मिला उतना ही प्यार मुझे अब डेली मिलना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उतना ही प्यार दोगे मुझे, ठीक है ना? क्योंकि मैंने ही आपको बताया था कि आपकी सेना भर्ती, अजमेर सेना भर्ती रैली आ चुकी है, और अजमेर सेना भर्ती रैली में कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, पूरा सबसे पहले और सटीक वीडियो मैंने ही डाला था। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। यदि उससे पहले का कोई वीडियो है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आपको जो भी कल इंडियन आर्मी की सेना भर्ती रैली देखने जा रहे हैं 11 जुलाई को अजमेर के कायड स्टेडियम में, उसको मेरी और ऑल इंडिया जो परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका भगवान साथ दे, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, और आप रेस क्वालिफाई कर जाए। आपको मैं बता दूं, गांव में रेस क्वालिफाई करने वालों की इतनी इज्जत होती है जैसे नौकरी लग के आया वो। तो रेस क्वालिफाई करना बहुत आगे जरूरी है। आगे की आगे दिखी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना? और आगे आगे देखा जाएगा, कुछ नहीं होने जाना। मैं आपको बता दूं, आप रेस क्वालिफाई करो, फिर आपका फिजिकल 100% पास है। यार, जिसने रेस क्वालिफाई कर लिया वो क्या फिजिकल में फेल होगा? अरे शेख आउटी के शेर हो तुम, आप राजस्थान के वो महाराणा प्रताप की औलाद हो, जो आपका रेस तो क्या सब कुछ कर सकते हो। तो रेस क्वालिफाई करनी है हमें, ना तो अपने पैर को भरना है, ना ही धड़कन को तेज होने देनी है, शेर की तरह दौड़ना है और शेर की तरह ही दौड़ में पास आना है। तो ये मैं बता दूं आपको, जो भी जानकारी दे रहा हूँ, विशेष सूचना आपकी इंडियन आर्मी रैली भर्ती, जो अजमेर सेना भर्ती रैली कल से स्टार्ट होने जा रही है, उसके ऊपर है। वो पूरी सूचना आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी कब स्टार्ट होगी, कब आपकी रेस होगी, कब आपको दौड़ना है, कब कब क्या करना है। जो पहली बार भर्ती में जा रहे हैं वो स्टूडेंट ध्यान दे। देखो, जो कैंडिडेट पहली बार भर्ती में जा रहे हैं ना, वो खास कर ध्यान रखे कि आपको गिरने का डर रहेगा, तो गिरने का ध्यान रखे आप ना, थोड़ा सा ये सब्र रखे, क्योंकि किसी फौजी भाई के यदि हाथ लग गए ना आप, तो आपको बता दूं कि इतने पीटते हो कि आप सोच नहीं सकते। तो प्लीज़, जो पहली बार भर्ती में जा रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, और जो दूसरी बार जा रहे हैं उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, उनको सब कुछ पता है क्योंकि उनको एक भर्ती में एक्सपीरियंस हो गया है। तो आपको बता दूं, जो पहली बार जा रहे हैं वो ध्यान रखें, और जो आपको बता दूं लास्ट भर्ती में जा रहे हैं वो खास कर ध्यान रखें। आपको कैसे दौड़ना है वो भी आपको बताऊंगा, ग्राउंड कैसा आपका, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, कितना टाइम दिया जाने वाला है कल। तो कल से स्टार्ट है विशेष सूचना, कैसे आपको रेस लगानी है वो आगे बता दिया जाएगा, आपको कैसे रेस लगानी है, कौन से बैच में दौड़ना है। तो मैं बता दूं आपको, जहाँ तक हो सके आपको 3 बजे जो बैच दौड़ रहा है ना, फर्स्ट फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, फर्स्ट 3 बैच में से आपको दौड़ना है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक 3 बैच में आप दौड़ने की कोशिश करो, क्योंकि इन 3 बैचों में इतना टाइम दिया जाने वाला कि आप सोच नहीं सकते। पूरा टाइम आपको दिया जाएगा इन 3 बैचों में, क्योंकि वहाँ पर कलेक्टर होंगे, वहाँ पर तहसीलदार साहब होंगे, सब होंगे, तो आपको भी टाइम उतना ही दिया जाएगा जितना आपका निर्धारित है। तो प्लीज़ 3 बैचों में दौड़ने की कोशिश करें। क्या खा के और क्या पी के दें, तो आपको बता दूँ, अभी आपको कुछ नहीं खाना, अभी आपको थोड़ा सा मात्र दलिया मिले तो दलिया खा लेना, वरना 1 से 2 रोटी खा लेना, ज़्यादा नहीं खाना। सुबह क्या करना आपको, सुबह ज़्यादा पानी नहीं पीना है, आपको एनर्जी ड्रिंक लेनी है, 100 से 200 रुपये की आती है, आपकी एनर्जी ड्रिंक जरूर ले। और आपकी जो किस ये आती है ना डेयरी मिल्क टेबल गोली, डेयरी मिल्क आती है ना, डेयरी मिल्क जरूर खा के जाए। डेयरी मिल्क से इतनी एनर्जी आती है कि आप सोच नहीं सकते। तो डेयरी मिल्क और आपकी एनर्जी ड्रिंक जरूर लेके ले रहे, ठीक है ना? कब ग्राउंड में प्रवेश करें, तो ग्राउंड में प्रवेश आप 12 बजे हो सके तो 12 बजे कर दो यार, जब प्रवेश दिया जा रहा है तब से करो ना। 3 बजे उन्होंने दे रखा है, पर आपका 2 बजे से प्रवेश स्टार्ट हो जाएगा, गारंटेड बात है। आपको सब कुछ जानकारी मैं कल वीडियो में उपलब्ध कर दूंगा, कब से प्रवेश हुआ, कितने कैंडिडेटों ने रजिस्ट्रेशन कराया, कितने दौड़ पास हुए, कितने फिजिकल फिट हुए, कितने आपके रेस में क्वालिफाई, कितना का बैच होना, वो जानकारी आपको कल करवा दी जाएगी प्रोवाइड। पर आज आपको बता दूं, 2 बजे से आपका प्रवेश दे देना निश्चित है, क्योंकि 3 बजे का उन्होंने टाइम दे रखा है, पर 2 बजे का आपका प्रवेश दे रहा है निश्चित है। तो 2 बजे प्रवेश करने की कोशिश करें। क्या क्या लेके जाना है आपको, तो मैंने डॉक्यूमेंट सारे बता दिए हैं, वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, आपकी एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेके जानी है, फोटो लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जाना है, जो भी एक आईडी होती है वो लेके जाना, मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके, वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र वो लेके जाना, ठीक है ना? फिर बात करते हैं हमको, 10 फोटो लेके जानी है आपको सफेद शर्ट के अंदर, और जो मैंने आपको 10 से 15 डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो सभी आपको डॉक्यूमेंट्स, चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है, अविवाहित प्रमाण पत्र लेके जाना है आपको, ये डॉक्यूमेंट्स तो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, ठीक है ना? फुल जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। हम बात करते हैं कि आपका ग्राउंड कैसा है। ग्राउंड आपका बहुत ही बेस्ट ग्राउंड है,
जहां तक मुझे सूचना मिली है कि आपका ग्राउंड सबसे बेस्ट ग्राउंड रहा, कल की जो बच्चे दौड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही गुड लक होने वाला है, क्योंकि कल की जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड बैच में दौड़ेंगे ना, उन बच्चों के लिए बहुत ही लक्की ग्राउंड साबित होने वाला है। आपका ग्राउंड में बताता हूँ, ग्राउंड कैसा, ग्राउंड आपका अंडाकार है ऐसा, ठीक है ना, अंडाकार आपका ग्राउंड है। आपको ये नहीं सोचना आपको यहाँ से रेस स्टार्ट कराई जाए ना, तो आपको ये नहीं सोचना कि हमारा तो लास्ट में नंबर आ गया, बिल्कुल नहीं सोचना आपको लास्ट में नंबर आए चाहे आपका फर्स्ट में नंबर आए। आपको ये सोचना है कि हमें दो रेस क्वालिफाई करनी है, बस इतना ध्यान रखना है। हमें एक ही दिमाग में होना चाहिए कि ये चार राउंड हमें लेनी है, चार राउंड की हमें लगा, पांचवा राउंड हमें लेना नहीं है। तो आपका ग्राउंड सबसे बेस्ट ग्राउंड है, आपका ग्राउंड में कोई दिक्कत ना होने वाली है, आपका ग्राउंड इतना बेस्ट है कि आप सोच नहीं सकते। आप, मैं बता दूं, उसके अंदर नॉर्मल कैंडिडेट जो 5-20 टाइम आता है ना, वो कैंडिडेट आराम से पास होने वाला उस ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड इतना अच्छा है कि आप सोच नहीं सकते। ग्राउंड का भी वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, सभी वीडियो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपको एक बात और बता दूं आपको, कि ग्राउंड में प्रवेश करने से पहले आपकी हाइट जो चेक की जाती है ना, उस हाइट में थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। जिस बच्चे की इतनी कम है ना, वो बच्चा कभी चल भी जाता और कभी नहीं चल पाता था, तो वो ध्यान रखे कि थोड़ा सा है ना अपना जुराब वगैरह ना थोड़ा मोटे पहन के जाए, ताकि आपको जुराब वहाँ नहीं खुलाए जाते, वहाँ पर आपको जूते खुलाए जाते हैं, जुराब नहीं खुलाए जाते। जुराब वो आप रेस क्वालिफाई करोगे तब खुलाए जाएंगे, तो आपको जुराब वगैरह ना वो बात की बात है, रेस क्वालिफाई होने की बात की बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, पर आपको जहाँ तक हो सके ना वहाँ पर जुराब मोटे पहन के जाएं, यदि किसी बच्चे की हाइट कम है तो वो बच्चा ध्यान दे किसी बच्चे की हाइट कम है। तो रेस की बात कर रहा हूँ, रेस आपको पूरे 1 से 2 राउंड ना, एक राउंड आपको 200 मीटर या 300 मीटर तक आपको एकदम से फास्ट लेना है, जितना हो सके ना 80% अपना दम लगा देना फर्स्ट राउंड के, आपको 300 मीटर तक। बाद में आप नॉर्मल हो जाना, फर्स्ट राउंड नॉर्मल, आपका दूसरा राउंड नॉर्मल और तीसरा राउंड नॉर्मल, चौथे राउंड में आपको 200 मीटर तक एकदम वैसे चलना है। फिर आपको 200 मीटर पर इतना उठाव करना है कि आपको कम से कम 50 बच्चों को पीछे छोड़ सको, कम से कम 50 बच्चों को पीछे छोड़ सको, तो आपको रेस क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमें एक्सीलेंट मारना है, क्या मारना, एक्सीलेंट मारना, गुड से हमें कोई मतलब नहीं है। एक्सीलेंट मारेगा ना वही बच्चा शेर होगा और वही बच्चा इसमें जॉब में पाने वाला है, क्योंकि ये ओल्ड राजस्थान की भर्ती है भाई, भीड़ भी होगी, सब कुछ होगा, कैंडिडेट भी आएंगे, ये नहीं कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा, आपका भीड़ भी होगी, कैंडिडेट भी आएंगे आपका, हो सकता है कल बारिश भी हो जाए। तो आपको मैं बता दूं, आपके लिए ये गोल्डन चांस मिलने वाला है, बहुत ही बड़ी भर्ती आ गई आपके लिए, ये ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती। तो प्लीज मैं बता रहा हूँ, आप इस ग्राउंड में पूरा दम लगा के दौड़े, ग्राउंड बहुत ही अच्छा आपका ग्राउंड है। और जो यहाँ कैंडिडेट का नंबर आना लास्ट में, उसके बाद होते हो, वो क्या करे, वहाँ वो इधर आने की कोशिश करे, जिसको दौड़ पास करनी है ना वो इधर आने की कोशिश करे, और वो ये 300 मीटर फास्ट कर रहे हैं ना, तो वो कैंडिडेट 400 मीटर फास्ट करेगा ना, तब जाके उनके बराबर आएगा। तो बता दूँ, इस कैंडिडेट की यदि किस्मत आपकी काम कर गई ना, तो आप यहाँ नंबर आ जाएगा, और यदि नहीं काम करी तो फिर अपना दम लगा के काम लेना अपनी किस्मत को, ठीक है ना। तो ये आपकी इंडियन आर्मी के अजमेर ग्राउंड की मैंने फुल रिपोर्ट दे दी है, और आपको कल भी इसी प्रकार रिपोर्ट दे दी जाएगी कि क्या कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं, किस प्रकार सब कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दो, वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।